हेलो दोस्तों, बहुत बहुत खुश आमदीद है आपकी एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हर्बल एक्स में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा, एक अहम और ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, यानी कि एक बात जो हर एक इंसान के जहन में घूमती है और हर इंसान उसका जवाब चाहता है। दोस्तों, उसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इससे पहले दोस्तों, मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दोस्तों आपको आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा, वो टॉपिक है यानी कि जो लड़की से बात करने में जो हमें परेशानी होती है, यानी कि अक्सर लोगों का ये सवाल एक जहन में होता है कि जी लड़की से बात करने में जो हमें यानी हमें खतरा आता है, उसका आना कितना सही है और कितना गलत है, और कितनी मिकदार में, अगर ज़्यादा मिकदार में आ जाए तो कितना नुकसान है। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं, कमेंट में भी इसको पूछते हैं। तो दोस्तों, आज इसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा, यानी कि एक तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है कि मनी, जिसको जो कि उछाल के साथ इंसान के अंदर से निकलती है, और एक होती है मजी, जो कि यानी मनी के निकलने से पहले एक हल्का सा पानी आता है जिसको मजी बोलते हैं। यानी कि दोस्तों, वो जो हल्का सा जो पानी आता है उसका उस पानी का आना तो मुफीद होता है, यानी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हमारे नली में यूरिन होता है, यानी कि एसिड होता है, क्योंकि पेशाब में हमारे एसिड यानी तेज़ाब की मात्रा होती है। उस तेज़ाब की मात्रा को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले यानी स्पर्म से पहले हमारा मजी निकलती है, जो कि हमारी यानी पेशाब की नली को साफ कर देती है, क्लियर कर देती है, जिससे कि हमारा स्पर्म अगर बाहर निकलता है तो उसमें जो शुक्राणु होते हैं, जिससे कि बच्चा तैयार होता है, उसके अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक शुक्राणु होते हैं, आपने देखे भी होंगे कि अगर वो उसकी लिमिट ज़्यादा हो जाए, यानी कि हमारे इरेक्शन के ऊपर यानी दिन के अंदर जो तनाव है उस पर अगर उसका असर इफेक्ट पड़ता है, असर आता है, या वो डाउन हो जाता है, या इतना ज़्यादा निकल जाता है कि दोस्तों मनी बाहर आने शुरू हो जाती है, तो समझ लीजिए फिर ये बीमारी होती है, यानी कि मनी में हमारी यानी हमारी मनी पतली हो गई है, और मनी पतली दोस्तों जब हो जाती है तो फिर ज़्यादा बाहर आनी शुरू हो जाती है। उसके लिए मैं आपको एक इलाज बताता हूँ जो कि बहुत आसानी से आपको दुकान पर मिल जाएगा, यानी कि आप उसको आसानी से आप करीब की किसी दुकान से ले सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुर्स कुश्ता कलई है जो कि हमदर्द कंपनी की है, और दूसरा जो है ये क्या बोलते हैं अनिदान खास, ये भी हमदर्द कंपनी का है, और ये होता है शरबत बाजूरी मौत दिली, यानी कि ये तीन चीज़ें आप ले लें। ये दोस्तों क्या है कि ये इस यानी खतरे को ख़त्म करने के लिए है, यानी इस बीमारी को दूर करने के लिए, और इससे आपको अपनी मर्दाना कुव्वत में भी फ़ायदा होगा और आपकी जो जिरियान की परेशानी है उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। यानी कि कुछ कुश्ता कले और अनिदान खास को मिला करके आपको आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को ले लेना है, और एक चम्मच पानी में गिलास में घोल करके इस शरबत को आपको सुबह शाम पी लेना है। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो कि हमारी अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है, हमने इसके अंदर ये सारी चीज़ों को मिलाया है, और जिन लोगों की मनी पतली हो गई है या उनको जिरियान की परेशानी है, तो ये एक्सफोर्स के नाम से हमारी कंपनी का एक्सफोर्स के नाम से पाउडर होता है, जो कि दोस्तों 21 जड़ी बूटी से तैयार किया गया है, और इसमें सारी जड़ी बूटियाँ मिलाई गई, तो ये आप हमसे परचेज कर सकते हैं, और हमारे डॉक्टर से भी आप फोन पर कंसल्ट कर सकते हैं, बात करके आप 24 घंटे किसी भी वक्त अपनी परेशानी को अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हैं, और ये आप हमारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और आई बटन को दबा करके आप हमसे ये वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये नॉलेज, ये वीडियो आपको पसंद आएगी, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।